हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम एसओ। अगर आपने ड्रीम एसओ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूपी में शिक्षक भर्ती की उम्मीद क्या है। देखो, यूपी में क्या है कि 2019 से कोई भी शिक्षक भर्ती अभी तक नहीं आई है। 2019 में आई थी 69,000 शिक्षक भर्ती, इसके बाद कोई भी वैकेंसी आउट नहीं हुई है। अब क्या है कि कुछ उम्मीद बनती हुई दिख रही है, जो कि सरकार की तरफ से नहीं है। कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उसकी तरफ से कुछ खुशी और जो कुछ उम्मीद जगी है तो वो कोर्ट की तरफ से जगी हुई है। क्योंकि यूपी में 2018 में एक भर्ती आई थी 68,500 की, उसमें 41,000 पद जो थे उस टाइम भर लिए गए थे। क्योंकि उस टाइम पे जो कट ऑफ लगी थी वो 40 से 45 नंबर पर लगी थी, जिसकी वजह से जो लोग थे, जो अभ्यर्थी थे, वो 40 से 50 नंबर नहीं ला पाए थे। इस वजह से 41,000 ही कुछ पद भरे गए थे और उसमें से जो बचे हुए पद थे उनको भरा नहीं गया था। तो ये जो भर्ती थी वो कोर्ट में चली गई, इसकी वजह से अब कोर्ट का आदेश आया है जिसमें बोला गया है कि 27,000 प्लस कुछ पद हैं उन पर आप भर्ती कराओ। ठीक है, तो ये जो मामला था, ये भर्ती आने की उम्मीद है, ये कोई नई भर्ती नहीं है। ये 27,713 जो पद हैं ये पुराने ही पद हैं जो 68,500 में बचे हुए हैं 2018 के। और ये कोई ज़्यादा बड़ी खुशखबरी नहीं है। खुशखबरी तब मानी जाएगी जब गवर्नमेंट ने, सरकार ने हलफनामा दिया था, उसमें बोला गया था कि हमारे पास 51,000 पद के लिए भर्ती आएगी हमारे लिए। ठीक है, उसके हम निकालेंगे। तो अगर ये 41,000 पद भी ऐड हो जाते हैं 27,713 में, तब हमारे पास 70,000 प्लस कुछ बनेंगे और कुछ भी पद हैं हमारे पास बाकी, तो 75,000 भर्ती पीआरटी में आने की उम्मीद है। और जब 75,000 भर्ती आएगी पीआरटी में, तब कुछ उम्मीद की जा सकती है कि हाँ कुछ भला हो सकता है। क्योंकि ये जो 27,713 है इसमें शिक्षा मित्र जो हैं वो भी, उनको भी वेटेज दिया जाएगा, उनको बोनस दिया जाएगा मार्क्स का। क्योंकि गवर्नमेंट ने बता रखा है कि उनको कुछ वेटेज दिया जाएगा मार्क्स का, उनको छूट दी जाएगी। तो इस वजह से, क्योंकि शिक्षा मित्र ही बहुत हैं, तो आपको जो नए बच्चे होंगे, जो नए लोग होंगे, उनके लिए 27,000 में कोई भी ज़्यादा खुशखबरी नहीं मिल सकती है। इस वजह से जब तक 51,000 की जो एक नई भर्ती है ये ऐड नहीं होती है इसमें। तो बात करते हैं कि जो पीआरटी की जो भर्ती है 27,713 की, जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, ये कब तक आ सकती है? क्या 2 मंथ, जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया है इसमें बोला है कि 2 मंथ में कंप्लीट कराओ, नोटिफिकेशन आप निकालो, क्या 2 मंथ में ये हो सकता है? तो जिस तरह से ये देखो, गवर्नमेंट के ऊपर है, सरकार के ऊपर है कि वो 2 महीने में कराना चाहती है तो करा भी सकती है और नहीं कराना चाहे तो नहीं। क्योंकि अभी आपको बताया कि जो अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति हो चुकी है, जो कीर्ति पांडे गोरखपुर यूनिवर्सिटी की हैं, उनकी नियुक्ति हो चुकी है। और अब जो है एग्जाम कंट्रोलर की नियुक्ति अभी बाकी है, अगर इनकी हो जाएगी नियुक्ति, इसके बाद काम जो है आगे बढ़ेगा। और इसका नोटिफिकेशन 2 महीने के भीतर बोला गया था कि कोर्ट ने बोला है कि 2 महीने के भीतर आप इसका नोटिफिकेशन निकालो और भर्ती को ये कंप्लीट करो, अगर कोई बाधा नहीं आती है, लीगली कोई बाधा नहीं आती है। तो अगर कोई आती है तो न्यूज़पेपर के माध्यम से सरकार को, ये अभ्यर्थियों को अवगत करते रहना होगा कि इस भर्ती में अभी तक क्या हो रहा है, क्या प्रोसेस आगे के लिए हो रही है, क्यों लेट हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आपको जो टाइम टाइम पर है वो आपके लिए नोटिफिकेशन आता रहेगा, न्यूज़पेपर में आपको बताया जाता रहेगा। और इसमें कौन कौन लोग वैलिड होंगे, तो जो बीटीसी किए हुए लोग हैं वही वैलिड होंगे। ठीक है, और इसमें जो बीएड वाले लोग हैं वो वैलिड नहीं होंगे, क्योंकि जो ऑर्डर आया था अभी पिछले साल उसमें बोल दिया गया था कि जो बीएड वाले लोग हैं वो पीआरटी में वैलिड नहीं होंगे। ठीक है, तो बीएड के लिए यहाँ पर कोई चांस नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, बीएड के लिए जो बीएड किए हुए लोग हैं उनके लिए और चांस बनते हुए दिख रहे हैं यूपी में। क्योंकि जो जूनियर के हैं, जूनियर के भी पद 20,000 से ज़्यादा खाली पड़े हैं, तो यहाँ पर भी भर्ती आने के चांस बढ़ रहे हैं। टीजीटी के भी 20,000 से ज़्यादा भर्ती आएगी, जो नोटिफिकेशन इस साल के लास्ट तक उम्मीद है कि ये निकालेंगे टीजीटी और जूनियर के लिए। और पीजीटी के लिए भी 5,000 से ज़्यादा पद खाली हैं, तो 5,000 से ज़्यादा पद जो खाली हैं इनके लिए भी भर्ती निकाली जाएगी, नोटिफिकेशन आउट किए जाएंगे। जैसा कि आपको पता है, जो पिछले टाइम पर जो एप्लीकेशन निकाले गए थे उनके भाई एग्ज़ाम अभी करना बाकी है, कराना अभी बाकी है, तो वो जो नोटिफिकेशन है वो भी निकलेगा और पीजीटी का, तो आगे आप भर्ती आने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्योंकि 75,000 पद इसमें हो जाएंगे और जो 20,000 टीजीटी के हैं और जूनियर के 20,000 हैं, तो 40,000 ये हो गए। अगर हम 20,000 ही माने और 5,000 ये, तो 45,000 हो गए। कम से कम 50,000 भर्ती जो बीएड वाले हैं उनके लिए देखने को मिलेगी। ठीक है, इनके लिए भी देखने की मिलेगी, जो दिसंबर लास्ट तक इसमें कुछ ना कुछ अपडेट आएगी, नोटिफिकेशन हो सकता है जारी हो जाए। और जैसा कि आपको बताया कि अध्यक्ष की नियुक्ति हो चुकी है, जो कीर्ति पांडे हैं। और इसमें हम एक एक करके अब बात करते हैं कि क्या यूपी टेट होगा, जो पीआरटी की जो भर्ती आ रही है 27,713 की, तो क्या इसमें जो सी टेट है, यूपी टेट है, ये क्या ये पहले आएगा इस भर्ती के या नहीं? तो अभी के लिए कोई ऐसी उम्मीद बनती हुई नहीं दिख रही है कि आएगा या नहीं आएगा, इसमें कुछ भी अभी कहा नहीं जा सकता है। ठीक है, हाँ ये जरूर है कि सीटेट जो यूपी टेट है उससे पहले सी टेट जरूर आ जाएगा, ऐसा लग रहा है। और क्या इसमें बात करें कि सीटेट दिसंबर वालों को मौका मिलेगा? अगर देखो, 2 महीने के भीतर ये भर्ती अगर नहीं हुई, अगर नोटिफिकेशन आउट नहीं हुआ, जो कि लग ही रहा है कि नहीं हो कर पाएगी गवर्नमेंट, तो इसमें जो सीटेट दिसंबर वाले हैं इनके लिए मौका मिलने के चांस बढ़ जाएंगे। ठीक है, और अभी से ये सीटेट वाले जो हैं, जो दिसंबर को एग्जाम देंगे, ये लोग तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सिलेबस वास्ट है, जो सुपर टेट है उसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसके लिए आपको अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए, और दिसंबर जो सीटेट होगा उसके लिए भी आपको तैयारी करना स्टार्ट कर देना चाहिए। जो अदर स्टेट वाले वैलिड हैं, अगर हम बात करें तो अदर स्टेट वैलिड होता है यूपी में। ठीक है, अदर स्टेट को बैलेट किया जाता है और अदर स्टेट वाले भी इसमें फॉर्म डालते हैं। जैसा कि आपको पता है कि बिहार में जो टीआरई अभी हो रहे हैं, अभी तो TRE 3 है, जिसका रिजल्ट अभी बाकी है कि आएगा, तो अदर इसमें भी जो अदर स्टेट है उसमें अलाउ किया गया है। तो यहाँ पर जो यूपी है इसमें भी किया है,
इसमें भी लोग अप्लाई करेंगे बाहर से। तो अगर बात करेंगे 27,000 पद हैं, इसमें अदर स्टेट भी होंगे, शिक्षा मित्र भी होंगे, ठीक है। तो बताओ कि जो नए विद्यार्थी होंगे इनके लिए तो फाइट और बढ़ जाएगी, क्योंकि शिक्षा मित्र को तो बोनस मिल जाएगा मार्क्स का, और जो अदर स्टेट के हैं ये भी आ जाएंगे, ठीक है। तो 27,000 में तो कुछ होने वाला नहीं है, तो इसके लिए गवर्नमेंट को ज़्यादा पद निकालने चाहिए जिससे कि लोगों का भला हो सके। जैसे कि यूपी पुलिस में वैकेंसी की भरमार लगाते चले जा रहे हो, लेकिन शिक्षक भर्ती के लिए कोई अता पता ही नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभ्यर्थी तो इधर भी हैं, पास तो इधर भी हो रहे हैं, ठीक है। हर बार BTC और BEd करते जा रहे हैं लोग, ठीक है। तो पास आउट तो हर बार यहाँ पर भी हो रहे हैं। तो इस वजह से गवर्नमेंट को सोचना चाहिए एक बार कि हाँ, भर्ती निकालनी चाहिए, भर्ती ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश की जानी चाहिए। और जैसा कि आपको पता है कि 27 में इलेक्शन है, तो चांसेस ज़्यादा हैं कि भर्ती तो आएगी, क्योंकि गवर्नमेंट को अपना मुंह भी छुपाना पड़ेगा, तो इस वजह से भर्ती आने के चांस बढ़ जाते हैं। और सिलेबस की अगर बात करें तो सिलेबस सुपर टेट का जो सिलेबस है वो बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट है। 14-15 इसमें सब्जेक्ट हैं, तो पढ़ना बहुत ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। और इसके लिए क्या पढ़ें, तो NCERT और SCERT जो बुक्स हैं उन्हीं को पढ़ना है। PRT के लिए वो NF हैं। अगर अलग से कुछ पढ़ना चाहते हो तो बहुत ही अच्छा है, आप मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं, उनको लिए भी पढ़ सकते हो। और जो बिल्कुल बिगनर हैं उनके लिए हम एक वीडियो लाएंगे, उसमें बता देंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या सिलेबस है, इसका कंप्लीट डिटेल आपको बता देंगे कि सुपर टेट के लिए क्या क्या आपको पढ़ना है और क्या 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 इसमें पूछा जाता है, ठीक है। जैसा कि आपको बताया कि जो 68,500 भर्ती आई थी उसमें जो पेपर हुआ था वो लिखित हुआ था, और जो 69,000 भर्ती 2019 में आई थी उसमें पेपर हुआ था ऑब्जेक्टिव हुआ था, ठीक है। तो हालांकि अगर सिलेबस जो है वो चेंज होगा या नहीं होगा उसके लिए अभी कुछ भी नहीं बोला जा सकता है, ठीक है। सिलेबस जो चेंज है उसके लिए अभी कुछ भी नहीं बोला जा सकता है, कुछ भी नहीं बोला जा सकता है। लेकिन हाँ, सिलेबस इसका बहुत ज़्यादा है, तो आपको अभी से तैयारी अपनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। और मैं भी BEd किए हुए हुआ हूँ, तो मैं भी TGT और जूनियर के लिए ट्राई करूँगा। तो मेरा मैथ से है, तो मैं मैथ से अपनी ट्राई करूँगा और तैयारी कर रहा हूँ मैं। मैंने तो अभी से तैयारी स्टार्ट कर दी है, तो आप भी लग जाइए बिल्कुल, क्योंकि टाइम नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट जो होगी वो 2.5 महीने के अंदर ही आपका एग्ज़ाम करा लेगी, ठीक है। तो और पेपर लीक का तो कोई चांस ही नहीं है, जैसे कि अभी यूपी पुलिस में हुआ है, ठीक है। और गवर्नमेंट की मन की बात सुने, तो क्योंकि 27 में इलेक्शन है तो गवर्नमेंट को तो देना ही है देना, ठीक है, वैकेंसी। और आगे बात करते हैं कि आप बिल्कुल लगे रहिए, पढ़ाई करते रहिए कंटिन्यूटी में, क्योंकि पढ़ाई मत छोड़िए। अगर पढ़ाई करते रहोगे तो आपको पता रहेगा कि हाँ क्या चल रहा है, अगर पढ़ाई छोड़ दोगे तो आपको बिल्कुल नया नया लगेगा, ठीक है, कि हम क्या पढ़ रहे हैं। एक दिन पढ़ाई की, 2 दिन छोड़ दिया, तो आपको 3रे दिन यही लगेगा कि हाँ ये क्या है, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल लगे रहिए पढ़ाई में, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, बड़ों का आदर करिए, ठीक है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए और मस्त रहिए, बस खुश रहिए। आगे भर्ती आएगी आपको बताइए, जैसा कि कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, तो PRT वालों की तो हो गई है बल्ले बल्ले, इसलिए PRT वाले अपनी तैयारी शुरू कर दें अभी से, क्योंकि इनके लिए तो वैकेंसी आना तय हो गया है। और BEd वाले, इनके लिए TGT की और जूनियर की भर्ती आएगी, तो ये अपनी फाइट यहाँ करेंगे। तो फिलहाल गवर्नमेंट ने सबके लिए कुछ ना कुछ इंतजाम कर दिया है कि निकालेगी, और 27 के जो इलेक्शन है उससे पहले ही निकालेगी। तो आप बिल्कुल लग जाइए और बिंदास होकर के तैयारी कीजिए, ठीक है। नोटिफिकेशन आएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही हमारा सफर था, ठीक है। थैंक यू।